हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ेंगे और क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में ये मेरा लेक्चर थर्ड होगा, यानी पार्ट थर्ड होगा। इसमें हम आज ये जानेंगे कि किसी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी पॉइंट के हेल्प से, यानी एक पॉइंट्स दे दिया होगा, उस पॉइंट्स का हेल्प लेके हम किसी लाइन का इक्वेशन बताएंगे, यानी पॉइंट्स फॉर्म में। अगर दो पॉइंट्स हो तो उसके हेल्प से हम लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऐसे ही बहुत कुछ जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे हम जानेंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री की हेल्प से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस नए क्लास को। पहले वाले क्लास में हमने ये जाना था स्लोप होता क्या है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन, आप ये समझ रहे होंगे क्या होता है। जैसे कोई लाइन है तो स्लोप ऑफ ए लाइन का एक फार्मूला आता है एम, वो आपको याद होगा y2 - y1 / x2 - x1, ठीक है। किसी लाइन का अगर स्लोप आपको निकालना है तो उस पर क्या होने चाहिए, दो पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए, यानी दो पॉइंट्स आपको मालूम होगा। मान लो ये पॉइंट्स यहाँ पर है, ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो इसका स्लोप बताने के लिए आप क्या करोगे, y2 - y1 / x2 - स्लोप को हम टेन थीटा भी बोल देते हैं, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, किसके बीच में, ये जो हाइट है ये और बेस के बीच में, ठीक है। बेस मतलब आधार और ये हाइट, ये ठीक है, यही टेन थीटा बताता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने समझा था कि स्लोप ऑफ ए लाइन है क्या। अब आपने ये भी जाना था कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर, जैसे एक लाइन ये रहा एक लाइन ये रहा, ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर है, पहले का स्लोप अगर मान लो एम वन है, दूसरे का स्लोप एम टू है, तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस वन आएगा। इसको मैंने प्रूफ भी किया था कैसे माइनस वन आएगा, ये आप बातें समझ रहे हो। अब तीसरा चीज़ कि अगर लाइन ऐसे पैरेलल है, ठीक है, तो इसका स्लोप अगर एम वन है, इसका स्लोप एम टू है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो दो लाइन पैरल होगी तो आप जानते हो कि दो लाइन पैरल है तो उनके बीच में एंगल क्या है, इक्वल है, आपस का स्लोप क्या है, इक्वल है इनका, ठीक है। अब आज हमें क्या जानना है कि एक पॉइंट्स होता है जिसको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कोलिनियर्स का मतलब क्या होता है वही समझना है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, में पढ़ना है कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कोलिनियर पॉइंट्स है क्या। तो अगर पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन्स पर हों तो ये सभी पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो बस इतनी बात याद रखिएगा, अगर पॉइंट्स हो और वो पॉइंट्स सभी एक ही लाइन पर हो, जैसे मान लें आपने ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना दिया, ठीक है, तो आप इससे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर पा रहे हो इन पॉइंट्स से, तो समझ जाना ये पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो कोई बोलेगा क्या आप तीन कोलिनियर पॉइंट्स से कोई ट्रायंगल बना दोगे, नहीं बना पाओगे। क्या आपके पास तीन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के हेल्प से आप ट्रायंगल बना लोगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। बोल देगा कि थ्री कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म ट्रायंगल, नहीं बनाएंगे भाई, क्योंकि तो तीनों एक ही लाइन पर हो जाएंगे ना। कोलिनियर मतलब को मतलब एक साथ, लिनियर मतलब एक लाइन पर है, ठीक है। तो ये जानना है कि कोलिनियर पॉइंट्स हो तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है, ये भी समझना जरूरी है। ऐसे मान लो तीन पॉइंट्स दे दिया, इनका नाम दे दिया है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिया, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट दे दिया, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट दे दिया। अब आपसे बोल देगा क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो आप कैसे करोगे, यही समझना है हमें, ठीक है। शो करिए कि कोलिनियर है, ठीक है, तो हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज़ जानते हो कि एक पॉइंट्स यहाँ पर होगा, एक पॉइंट्स यहाँ पर, यानी तीनों पॉइंट्स किसी लाइन्स पर होंगे तभी तो कोलिनियर होगा। तो अगर मान लो ये 6-4 है, ये आपका 8-6 है और ये रहा 5-3, तो ये कोलिनियर कब होगा भाई। तो ये कोलिनियर होने का मतलब क्या होगा, इसका स्लोप यानी इसका स्लोप इसके स्लोप के बराबर होगा तभी तो कोलिनियर होगा। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर भाई। तो मैं बोल दूं कि लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप अगर एम है तो इसका भी स्लोप क्या होगा, एम, क्योंकि भाई एक ही तो लाइन है, लाइन का स्लोप टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बातें क्या होती हैं, एकदम सीधे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। तो आप इसका स्लोप निकालो और इसका स्लोप निकालो, दोनों का सेम आना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका स्लोप एम वन है कुछ समय के लिए, ठीक है, तो 6 - 4 / 8 - 6 यानी 1 आया। फिर इसका स्लोप निकाल लो, एम टू मान लो, ये स्लोप कितना है प्यारे बच्चों, एम टू है, नहीं मालूम हमें कितना है, ठीक है, तो 3 - 6 / 5 - 8 यहाँ पे -3 - 3, दोनों का स्लोप 1, यानी दोनों का स्लोप इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर है, इसीलिए क्या है, आर कोलिनियर। तो क्या बोल दोगे, दिस पॉइंट्स आर को लिनियर, ठीक है। तो बातें समझना जरूरी है, कोलिनियर है क्या। तो कोई बोल देगा कोलिनियर पॉइंट से क्या आप ट्रायंगल बना लोगे, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इसका एक और तरीका हो सकता है प्रूव करने का, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो का मतलब एक फार्मूला पढ़ते हैं ना, ½ - y3 + x2 / y3 - y1 + x3 y1 - y2।
यानी इस फार्मूले का आप अगर हेल्प ले लेते हो तो आपका जो एरिया आएगा वो एरिया को हम क्या दिखाएंगे, जीरो के बराबर। ठीक है, तो भाई कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पर हो, तो एक लाइन से तो कोई एरिया तो होगा ही नहीं भाई, एक लाइन खींच दे तो क्या है? कोई एरिया कवर कर रहा है? नहीं कवर कर रहा है, ये बस एक लाइन ऐसे गई, कोई सरफेस कवर ही नहीं किया, तो इसलिए इसका एरिया क्या दिखा देंगे, जीरो के बराबर। ठीक है, यानी तीन पॉइंट से तो हम सोच रहे हैं कि भाई ट्रायंगल बना होगा, लेकिन बनेगा कैसे भाई, एरिया तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो प्रूफ, आप ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं शो कर सकते हो ऐसे। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, इंटरसेप्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक लाइन्स है आपकी, ठीक है, मान लो ये लाइन्स है जिसका नाम L है। ठीक है, ये लाइन किसी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस था आपका, तो यहाँ पे कट किया ना, और यही लाइन वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ये वाला लाइन आपका क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट्स पे कट करती है, यही इसका एक्स इंटरसेप्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स इंटरसेप्ट। तो भाई जब एक्स एक्सिस पे होगी तो वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो ए जीरो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, यानी एक्स इंटरसेप्ट ये रहा, तो वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, मान लो ये बी पॉइंट्स था, ठीक है, तो जीरो भी, क्योंकि वाई पे जाओगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि वाई लाइन पे आप जा रहे हो। ये क्या है प्यारे बच्चों, आपका ओरिजिन है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हो। ठीक है, यही है आपका इंटरसेप्ट, यानी किसी लाइन ने इंटरसेप्ट किया, काटा एक्स एक्सिस को इस पे और वाई एक्सिस को इस पे, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एक्स इंटरसेप्ट ये होगा, बातें क्लियर। वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, तो वाई इंटरसेप्ट ये होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, वाई इंटरसेप्ट ये रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई इंटरसेप्ट और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस पर ए दूरी पर काटा, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट पर बी दूरी पर, बातें क्लियर। ठीक है, तो आप समझ गए वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई इंटरसेप्ट, यानी बी वाला जो ये बी है वाई इंटरसेप्ट है, और जो ये एक्स इंटरसेप्ट है वो क्या है, ए है। ठीक है, तो आप इतनी बातें समझ रहे हो, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या है, उस लाइन ने काटा। अब हमें बताना है क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एमएक्स, यानी किसी लाइन का जब स्लोप हमें मालूम है और वो लाइन कहीं कट कर रही हो, तब उस समय हम कैसे फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, वो समझना है। तो अगर मान लो कोई एक ऐसा एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, अब आपकी एक कोई लाइन है ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे गई, तो ये वाई पॉइंट्स पर कहाँ पर कट की, सी पॉइंट्स पर की, यानी एक लाइन थी जो वाई एक्सिस को कहाँ कट की प्यारे बच्चों, सी पॉइंट्स पर, ये आपका एक्स एक्सिस है, इतनी बातें क्लियर। अब क्या होता है कि अब मान लेते हैं कि इस लाइन पे एक पॉइंट्स था, भाई जानते हो ना कि जब भी एक लाइन मैं खींचूंगा तो लाइन पे बहुत से पॉइंट्स होंगे, मान लिया इसका पॉइंट्स एक्स वाई होगा, इसका आप एक्स टू वाई टू ले सकते हो, क्योंकि लाइन तो पॉइंट्स से ही मिलके बना है ना, तो इस पर एक पॉइंट्स हमने मान लिया कि पॉइंट्स क्या था, एक्स और वाई था, यहाँ पे बातें क्लियर यहाँ तक। ठीक है, और ये जो लाइन थी ये एक्स एक्सिस पर यानी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर थीटा एंगल बना रही थी, यानी स्लोप क्या था इसका, थीटा था, बोल सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, यानी झुकी हुई थी, थीटा एंगल बना गया। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या लगाना है कि जो ये लाइन है इस लाइन का हम इक्वेशन बता सकते हैं। लाइन का इक्वेशन का मतलब आप थोड़ा बेसिक आइडिया समझ रहे होगे तो ये मालूम होगा कि जब पावर वेरिएबल का एक हो, वाई के पावर वन हो, एक्स के पावर वन हो, तो ये सब लाइन का ही इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरह हमें वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम मतलब क्या हो गया, स्लोप हो गया, एक्स मतलब एक्स पॉइंट्स होगा, सी मतलब ये जहाँ पर कट कर रहा है। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे एक लाइन खींच दो, एक लाइन ऐसे खींच दो। ठीक है, अब देखो ये जो थीटा बना, यहाँ पे भी थीटा बनेगा, क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल मैंने खींचा, ये वाली लाइन। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल खींचा तो ये थीटा होगा, क्योंकि देखो जब दो लाइंस पैरेलल हो तो अगर यहाँ पे थीटा बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा प्यारे बच्चों, थीटा बनेगा। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट्स क्या है, एक्स वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कट कर रहा है, सी कट किया ना, तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, जीरो सी, क्योंकि देखो जीरो सी क्यों, क्योंकि वाई पर जाओगे तो एक्स की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू c, तो इस पॉइंट्स का नाम क्या होगा, जीरो सी सी। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, m, तो m का मतलब y2 माइनस y1। देखो ये अब कैसे m आप निकाल लो, ये भी थोड़ा समझ लो कैसे निकालते हैं। देखो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये वाली, ये क्या होगी, y माइनस सी, कैसे y माइनस सी होगी, तो समझो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, क्या नाम है, एक्स और y नाम है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y है और आपने इसको c माना, यानी जीरो c, यानी x जीरो है, y c है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी c है। तो अगर मैं इस पूरे y में से c को घटा दूँ तो ये दूरी निकल जाएगी कि नहीं,
और ये कितना होगा, क्योंकि आपने इसको x कोऑर्डिनेट बोला है ना, तो यहाँ पे भी x होगा, तो मतलब ये दूरी कितनी है, x की है, ठीक है, ये x एक्सिस है आपका, ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये y माइनस सी हो गया, ये x हो गया, तो m, m मतलब स्लोप, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, m का मतलब टेन थीटा भी होता है, तो टेन थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, x है, ठीक है। अब हम इसको इम्प्लाइज देते हैं, क्या कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे लिख दो एम एक्स इजक्ल टू वाई माइनस सी, तो फाइनली क्या हो जाएगा, वाई इजक्ल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप किसी लाइन का इक्वेशन उसके स्लोप के रूप में दे सकते हो, इतनी बातें याद रखिएगा। और यहाँ पर y और x क्या है, वेरिएबल है, वो पॉइंट्स किस पर है, लाइन पर है, तो क्वेश्चन बहुत से बनेंगे। ऐसे बोल सकता है कि एक लाइन है जिसमें एक पॉइंट्स वन और टू है, ठीक है, एक पॉइंट्स वन और टू है, और ये लाइन किसी हॉरिजॉन्टल x एक्सिस से 30 डिग्री पर झुकी हुई है, 30 डिग्री पर झुकी हुई है, तो आप उस लाइन का इक्वेशन बता दो भाई, इस लाइन का आप इक्वेशन बता दो, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई एक लाइन है वो x एक्सिस से 30 डिग्री पर झुकी हुई है और उस पर एक पॉइंट है वन और टू, तो आपको इस लाइन का इक्वेशन पूछ दिया, कैसे करोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा देंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब m की वैल्यू 30 मत रखना, m की वैल्यू क्या होती है ये भी समझना जरूरी है, m इक्वल टू 10 30, ये बोलते हैं, ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 रखना, बस फाइनली सॉल्व हो गया। अब ये पॉइंट्स का हमें कोई नीड ही नहीं थी, ये पॉइंट्स उसने दे दिया आपको इल्यूड करने के लिए, भरमाने के लिए, क्योंकि हमें लाइन का क्वेश्चन देना है ना, तो लाइन में एक्स और वाई दिखने चाहिए। अगर कोई बच्चा यहाँ पर पॉइंट्स को भी रख देता है 2 और 1, तो ये वैल्यू पुट करके तो सिंपल कर देता पूरा, ठीक है। अब यहाँ पर सी की नीड पड़ती है, तो मेन चीज़ क्या देना चाहिए था, उसको सी देना चाहिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सी होना जरूरी है। तो ये बताता कि जो लाइन है ये वाई एक्सिस पर 0.4 पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये बताता तब हम इस फार्मूले का यूज कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी आप लाइन का इक्वेशन बताओगे तो उसमें वेरिएबल दिखना चाहिए एक्स और वाई, ठीक है, और एम की वैल्यू तब बता ही दोगे, एम इक्वल टू 10 थीटा, और सी देना चाहिए था इसको, इसने तो हमें पॉइंट दे दिया है सिर्फ, ठीक है। तो इसका भी हम इक्वेशन बताएंगे, कैसे करेंगे वो भी जानेंगे, ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर। तो किसी लाइन का इक्वेशन बताने के लिए स्लोप की आवश्यकता पड़ेगी, और वो वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, कहाँ पे कट रहा है, जैसे देखो यहाँ पर ये सी पॉइंट्स पर कट कर रहा था, जैसे मैंने बताया था 0 और 4 पर कट कर रहा है, तो y का मतलब 4 हो जाएगा, c का मतलब 4 हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस y का पॉइंट सही है, तो c इक्वल टू 4 सॉल्व कर देगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, बातें क्लियर। अब आगे चलते हैं, अगर कोई लाइन है जिसका ऐसे लिखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन आप समझ भी रहे हो, क्योंकि वेरिएबल्स में क्या है, पावर 1 है, यानी ये एक डिग्री वाला टर्म देखो, एक डिग्री है, ठीक है, डिग्री इसका एक है, तो ये लाइन में यही आवश्यकता पड़ती है कि एक डिग्री होना चाहिए, यानी x और y का पावर एक होगा तभी लाइन है, ठीक है। अब देखो, अब ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर x इक्वल टू 0 है तो क्या ये लाइन होगा कि नहीं, अब बच्चे वो से कन्फ्यूज जाते हैं, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, हम किस लाइन पे जा रहे हैं, हम y एक्सिस पे जा रहे हैं, दैट इज़ ए लाइन का इक्वेशन है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर y इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया, आप x एक्सिस पे जा रहे हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोल देता है सर जी x इक्वल टू 2 क्या ये लाइन है, तब भी ये लाइन है, क्यों, कैसे लाइन है, तो देखो भाई x की वैल्यू हमेशा 2 रहेगी, यानी ये जो लाइन है जो x इक्वल टू 2 है, यानी ओरिजिन से 2 की दूरी पर है, ये ओरिजिन यही तो होता है, यहाँ से आप 2 की दूरी पर जाओगे आगे तो एक लाइन बन जाएगी, x इक्वल टू 2 कहीं भी जाओ हमेशा x इक्वल टू 2 मिलेगा, कहीं जाओ भले ही y की वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो x इक्वल टू 2 मतलब ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब दूसरा चीज़, कोई बच्चा बोल देगा सर जी y इक्वल टू 4 तो क्या ये लाइन कैसी है, तो y इक्वल टू 4 का मतलब क्या होता है कि y की वैल्यू 4 है, यानी 4 मतलब ऊपर होगा, यानी इसके कहीं पॉइंट्स पर जाओ, ये लाइन पे, इस लाइन के कहीं पॉइंट्स पर जाओ, हमेशा y की वैल्यू क्या आएगी, 4 ही आएगी, भले ही x की वैल्यू चेंज करती रहेगी, यानी x की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो ये y इक्वल टू 4 किसके पैरेलल हो गया, x एक्सिस के, क्योंकि आप देख रहे हो y इक्वल टू 4, यानी जो ओरिजिन से हम 4 की दूरी पर जाए, एक लाइन खींच दे, अब कहीं भी इस लाइन पर जाओ हमेशा y की वैल्यू 4 रहेगी, और ये किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार एक लाइन है, इस लाइन के हेल्प से हमें इसका स्लोप बताना है, इसका स्लोप होगा क्या, तो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, ये चीज़ें जानी थी कि y इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, m मतलब स्लोप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ देखो, मैं चाहता हूँ कि y अकेला हो जाए इसमें, तो y को अकेला करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ से y हटाना पड़ेगा, तो y हटाने के लिए हमने क्या किया कि y को यहाँ से निकाल के इधर भेज दिया, तो माइनस बी वाई ए एक्स प्लस सी, इसकी बात को याद रखिए डायरेक्टली, ठीक है, मैंने बी वाई को उधर भेज दिया, तो माइनस बी वाई ए एक्स प्लस सी, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इस टाइप का मैं वाई यहाँ पर ला दूँ, जैसा वाई है वैसा वाई मैं ला दूँ,
ठीक है। फिर मैंने इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया, यहाँ से माइनस बी हटाने के लिए डिवाइड कर दिया, तो इधर भी मैंने माइनस बी किया, इधर भी माइनस बी किया। बातें समझ रहे होगे, ठीक है। मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरी प्लानिंग क्या है कि वाई को मैं वाई बना दूँ, बी वाई को वाई बना दूँ, तो माइनस बी से इधर करो, माइनस बी से इधर, ठीक है। तो फाइनली आप देखोगे कि माइनस ए बाई बी माइनस सी बाई, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये एम की तरह हो जाएगी, कैसे देखो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो एम की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों, माइनस ए बाई बी, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा माइनस सी बाई बी, ठीक है। क्यों माइनस सी बाई बी, तो क्योंकि आप समझ सकते हो अगर मैं ऐसे कर दूँ तो प्लस और माइनस में क्या होगा, माइनस ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे माइनस है देखो, ठीक है। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया, माइनस सी बाई बी, और स्लोप क्या हो गया, माइनस सी बाई बी। तो आपसे क्वेश्चन अगले दिन ये पूछ सकता है कि एक लाइन दे दिया, ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 8 प्यारे बच्चों, ठीक है, बोल दिया कि ये तो लाइन है, आप समझ रहे हो, तो इस लाइन का आप स्लोप बता के दिखा दो मुझे, स्लोप क्या होगा इस लाइन का, ठीक है। तो बहुत से बच्चे सोलेंगे कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, तो कंपेयर भी कर सकते हैं, बोलेंगे कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम करते हैं, तो कुछ आइडिया लगाएंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जनरली ये जानोगे कि एम इक्वल टू क्या है, माइनस ए बाई बी, तो भाई ए किसका हम मानते हैं, ये जनरल फॉर्म क्या होता है लाइन के इक्वेशन का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल रूप है, सामान्य रूप है, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 दिख रही है, बी की वैल्यू 3 दिख रही है, ठीक है। तो एम क्या हो जाएगा, माइनस बी, माइनस सॉरी माइनस ए दिखेगा, ठीक है। तो एम की वैल्यू क्या लिख देंगे, माइनस ए और बी माइनस 2/3, ठीक है, बातें क्लियर, ठीक है। इतनी बात आप समझ रहे हो, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, कोफिशियंट ऑफ एक्स ऊपर और कोफिशियंट ऑफ वाई नीचे, यही क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन है। इतनी बातें समझ गए, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, बोला क्या, वन पॉइंट पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, एसएल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यानी वन पॉइंट्स, एक पॉइंट्स की जानकारी हो, उसके हेल्प से आप एक इक्वेशन बना दो स्ट्रेट लाइन का। इसमें क्या होता है जनरली कि एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे कोई पॉइंट्स है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एक्स वन वाई वन। इतनी बातें क्लियर, ठीक। हमें एक इक्वेशन बनाना है, वन पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वन पॉइंट मतलब एक पॉइंट जरूर दिखेगा उस स्ट्रेट लाइन में। तो आप जानते हो जनरली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये होता ही आपको मालूम है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा था ये स्लोप के हेल्प से मैंने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताया m, ठीक है। तो अब मान लो कि ये लाइन का तो इक्वेशन हो गया, इस लाइन पे बहुत से पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट्स होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट्स होगा, तो मान लेता हूँ कि ये पॉइंट्स x1 और y1 है जो इस लाइन पर है, x1 y1 इस लाइन पर है, ठीक है। तो ये जो पहला इक्वेशन है मेरा ना, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप y की जगह पर चेंज कर सकते हो ना, y तो वेरिएबल है भाई, y की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो पॉइंट्स इस पे दिख रहे हैं लिख लो। तो y की जगह पर मैंने क्या कर दिया, y1, x की जगह पर x1 c, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ये था कि आपको ये जानना जरूरी है कि y और x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y और x की जगह पर वही लिखेंगे जो इस पॉइंट्स पे, जो इस लाइन के पॉइंट्स होंगे। तो इस लाइन का पॉइंट्स देखो, x1 y1 है कि नहीं, इस पर भाई एक पॉइंट है, इस पे बहुत से पॉइंट्स होंगे, तो मैंने मान लिया वाई वन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, यानी घटा दो, ठीक है, कर दो फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है। तो मिलेगा वाई वन वाई माइनस वाई वन एल एच एस से, इधर से क्या मिलेगा, एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स वन सी, इतनी बातें होगी, ठीक है। तो वाई माइनस वाई वन, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, एम बाहर कर दो, x माइनस एक्स वन। अब एक चीज़ देखो, ये जो c है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो बात को, कैसे कैंसिल हो, क्योंकि मैंने इनको माइनस किया था, वन माइनस टू, ठीक है, पहले इक्वेशन को दूसरे से। तो m की वैल्यू क्या होगी, y माइनस वाई वन अपान एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहाँ पे बातें क्या क्लियर हो रही है कि अगर कोई लाइन है और उस लाइन पर हमें एक पॉइंट्स मालूम हो गया, एक पॉइंट्स की जानकारी हो गई, तो उस पॉइंट्स के हेल्प से हम किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं, बस हमें उसका स्लोप मालूम होना चाहिए, यानी उसका स्लोप क्या है। तो अगले दिन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक पॉइंट्स है जो 2, 3 है, किसी लाइन के ऊपर है, यानी लाइन में है, और इस लाइन का स्लोप प्यारे बच्चों, यानी m, वो दे दिया है आपका 1 दे दिया है, तो आप इस लाइन का इक्वेशन बता दो, वो लाइन का इक्वेशन क्या है, यानी लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, तो आप सॉल्व कर सकते हो यही फार्मूले पर। वाई और एक्स वेरिएबल है, क्योंकि मैंने बताया था लाइन में एक्स और वाई मिलेगा इक्वेशन में, इसे बच्चा लिख दिया 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, तो क्या लाइन का इक्वेशन नहीं है, है भाई, क्योंकि x और y की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, बसरते वो कहाँ होना चाहिए, उस लाइन पे ये लाई करने चाहिए, एंड x और y कहाँ है, उस लाइन का पॉइंट्स है, ये बात याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इसका आप सॉल्व करके कर सकते हो, ठीक है, बातें क्लियर।
ओके प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना क्या है, टू पॉइंट्स फॉर्म अप ए स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है। यानी यहाँ पर अब दो पॉइंट्स होंगे, उस दो पॉइंट्स के हेल्प से हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताएंगे, ठीक है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, वन पॉइंट फॉर्म अप ए स्ट्रेट लाइन, इसमें एक पॉइंट के हेल्प से हमने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताया था, इसमें हमें स्लोप की जानकारी थी, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है। तो आप इसको जनरली कैसे सोच सकते हो, तो देखो अगर एक लाइन है आपका तो दो पॉइंट्स होने चाहिए ना, बोला टू पॉइंट्स। तो मान लेते हैं एक पॉइंट्स यहाँ पर था एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट्स यहाँ पर था एक्स टू वाई टू, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट्स तो इस लाइन पे हैं, तो क्या मैं इस दो पॉइंट के हेल्प से इसका इक्वेशन बता सकता हूँ लाइन का, तो कैसे बताऊँगा, तो देखो प्यारे बच्चों, एम की वैल्यू क्या होगी, वाई टू माइनस वाई वन अपान एक्स टू माइनस एक्स वन, ये स्लोप का होता है मतलब, ठीक है। अभी इसके पहले आपने एक एम की वैल्यू बताई थी, वो क्या वैल्यू थी, जस्ट इसके पहले वन पॉइंट फॉर्म में वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन, ये बातें भी बोली थी ना, वन पॉइंट फॉर्म अप है लाइन्स। अगर एक पॉइंट की जानकारी होती थी तो हम यही लिखते थे फार्मूला, और ये तो आपको मालूम ही है, तो स्लोप का फार्मूला इसको डिराइव भी हमने किया था, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के हेल्प से हम लिख देंगे डायरेक्टली, ये एम के बराबर है, ये एम के बराबर है, तो फाइनली मेरा जो इक्वेशंस होगा वो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स, ठीक है। इट इज़ योर इक्वेशंस ऑफ ए टू पॉइंट्स फॉर्म अप ए स्ट्रेट लाइन, यानी दो पॉइंट्स हमें जानकारी है उस लाइन के, तो हम उसका इक्वेशन बता सकते हैं, किसका, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है, सीधी रेखा की, ठीक है। तो अब दो पॉइंट्स की जानकारी, देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा ना, ये स्लोप हमें मालूम हो गया, स्लोप मालूम करने के लिए दो पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई में, ये कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इतनी बातें क्लियर। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट्स है वन और थर्ड है, और एक और पॉइंट है टू और फाइव है, तो इसके हेल्प से आप एक इक्वेशन बताओ किसी लाइन का जिसका स्लोप दिया हो, क्या दिया हो प्यारे बच्चों, स्लोप दिया, वन मान लो स्लोप है, तो बता सकते हो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। बस शर्तें आपको याद होना चाहिए कि जो लाइन का इक्वेशन होता है उसमें वाई और एक्स दिखना चाहिए, तो देखो ये वाई और एक्स रहेगा अकेले, क्योंकि यही तो वेरिएबल है, इसी पे तो आप चेंज करोगे, ठीक है। जो अगर कोई लाइन्स है, ठीक है, वो लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रही है, तो जब इंटरसेप्ट कर रही है तो उस इंटरसेप्ट के कारण एक लाइन का इक्वेशन डेवलप होगा, उसको हमें डिराइव करना है। जैसे कैसे समझेंगे, जैसे मान ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है, एक लाइन है जो इस पर इंटरसेप्ट कर रही है, इंटरसेप्ट मतलब प्यारे बच्चों आप समझ रहे हो बात को, ठीक है, x और y एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट मतलब कट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कट की भाई वहाँ पे कट की। तो मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट्स क्या था, जीरो भी, क्योंकि आपको मालूम है y एक्सिस पर x की वैल्यू जीरो, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ए और जीरो, ठीक है। तो इन पॉइंट्स के हेल्प से आपको इसका इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो इसके बहुत से तरीके होंगे, आप दिमाग लगाओगे तो सॉल्व भी कर सकते हो। देखो प्यारे बच्चों, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पॉइंट्स ले लेंगे जिसका नाम क्या होगा, एक्स और वाई होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट्स तो ले लिया, तो लेकिन अब करेंगे क्या, तो ठीक है, तो पहले हम इस ओरिजिन से इसको मिला देंगे, मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब जानकारी आपको होगी कि ये वाली जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स, यानी यहाँ से तक की दूरी एक्स, और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ये y बोलेगी, समझ रहे हो ना, y बोलेंगे, क्योंकि ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी x और यहाँ से यहाँ तक की दूरी y, ठीक है। अब करना है क्या हमें, ये जब जानकारी जब हो गया तो हम इसका इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, तो देखो आप एक बार क्या करो कि आप इसका एरिया निकाल लो, ये छोटू ट्रायंगल्स का, मान लो ये ट्रायंगल क्या है, टी वन है, ये वाला ट्रायंगल्स, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल्स क्या है टी वन है, तो इस ट्रायंगल टी वन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टी वन, तो टी वन का क्या हो जाएगा, हाफ बेस, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ए, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट ए है, इंटू हाइट, हाइट कितना है प्यारे बच्चों, वाई, क्योंकि आपने ये पॉइंट माना है वाई, ठीक है, ये आ गया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, इसका नाम रख दो टी टू ट्रायंगल्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से आपकी जो दूरी है ना परपेंडिकुलर वाली, ये एक्स ही तो है, एक्स है ना, मैंने इसमें ये हाइट क्यों लिया था, क्योंकि आप समझ रहे हो, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट वाई ही होगा, क्योंकि ओरिजिन से ये वाई दूरी पर पॉइंट है, तो वाई, ठीक है, यहाँ पे एक्स दूरी पर है, तो बेस क्या हो जाएगा, ये पूरा बेस हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक बी है, तो एरिया ऑफ टी टू, यानी इस ट्रायंगल का, तो बेस, बेस में मतलब ये बी होगा, एक्स जीरो नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि समझ रहे भाई, जीरो मतलब ये जस्ट इसमें एक्स की कोई वैल्यू ही नहीं पड़ रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ बेस, यानी ये लेंथ बी के बराबर होगी, पाँच होगी, छः होगी, जो भी होगी, और ये हाइट कितना है,
हाइट वाई है मेरा, ठीक है निकल गया। तो ये टी वन और टी टू, ठीक है। अगर मैं इन दोनों एरिया को जोड़ दूँ, एरिया ऑफ टी वन यानी एरिया ऑफ टी वन और एरिया ऑफ टी टू, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा कि नहीं, पूरे ट्रायंगल्स में, क्योंकि एक ट्रायंगल ही एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो पूरे ट्रायंगल्स की एरिया क्या होगी वो जान लो, तो होल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ठीक है वो क्या होगा, तो देखो वो क्या होगा, ये देख रहे हो ना, ये अब जानते हो कि जब एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है तो 90 पे कट करते हैं, तो भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, तो इसमें भी फार्मूला लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट, हुआ कि नहीं, होगा भाई, ठीक है। देखो बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर मैं सम कर दूँ एरिया ऑफ टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टोटल टी हो जाएगा, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू टी वन ट्रायंगल्स में, ठीक है टी वन ट्रायंगल यहाँ पे एक्स होगा, सॉरी ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस एक्स है ना, परपेंडिकुलर तो एक्स है, ठीक है वो यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, हाफ ए इंटू बी के बराबर, यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ से हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ए और बी अब तो कुछ नहीं है, अब सीधे आप ए और बी को नीचे ला दो, जो भी यहाँ पे चीज़ें बची हैं, बची क्या हैं, ए वाई प्लस बी एक्स, ठीक है बाई ए बी, बाई ए बी इजक्ल टू वन, ठीक है। यहाँ से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो फाइनली जो आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इजक्ल टू वन, देख लो एक्स बाई ए वाई बाई बी इजक्ल टू वन, ठीक है। यही इक्वेशंस है, कब का इक्वेशन है, जब इंटरसेप्ट फॉर्म आप स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन है वो इंटरसेप्ट कर रही है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर ए जीरो इंटरसेप्ट है और वाई एक्सिस पर जीरो भी है, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम ये आपका ये निकाल लेंगे, ठीक है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ठीक है। इतनी बात है क्लियर आपको। एक क्वेश्चन कैसे बोलेगा, ऐसे बोलेगा कि एक लाइन है, ठीक है, आपको बोल देगा कि एक लाइन है ऐसे, ठीक है, वो वाई एक्सिस पर कट कर रही है, ठीक है वाई एक्सिस पर कट कर रही है, यानी बोल देगा वाई इंटरसेप्ट 5 है और एक्स इंटरसेप्ट कितना है 6 है, तो आप उसका इक्वेशन बता दो, तो ए की जगह पे ये सब रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें बहुत से कंसेप्ट का यूज हो सकता है, ठीक है। स्क्रीन पे क्वेश्चंस है, बोला है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें एक पॉइंट्स ए बी सी और डी इनका वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यानी ए का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है कि ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, आपसे यही क्वेश्चन है बस, ठीक है। एंड ए की कोऑर्डिनेट को आपको बताना है वो क्या होगा, ठीक है। तो हम देखिए कैसे करेंगे, दूसरा क्वेश्चन का इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी, यानी डायगोनल बी डी का इक्वेशंस बताना है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चंस क्या है, बोला है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, यानी ए का कोऑर्डिनेट बताइए और इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है, तो आप जानते हो पैरेललोग्राम में ये वाला इसके पैरेलल होता है और ये वाला इसके पैरेलल होता है, ठीक है। डायगोनल बी डी क्या होगा, ये होगा आपका, ठीक है ऐसे, ठीक है। अब बी डी का इक्वेशन बताना है, तो बी डी का इक्वेशन बताने से पहले ये तो पॉइंट्स हैं भाई, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, कैसे देखो, पहले हम बी डी का ही सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई टू पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, तो आसान सॉल्व हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन, यही फार्मूला लगेगा, क्यों, क्योंकि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से एक पॉइंट से उनका कोऑर्डिनेट से आप पुट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं कर भी देता हूँ, वाई वाई वन इसी को मान लो ऊपर वाले को माइनस फोर एक्स माइनस एक्स वन, यानी इसको मैंने एक्स वन वाई वन माना, आपकी इच्छा आप इसको भी एक्स वन वाई वन मान सकते थे, ठीक है। वाई टू माइनस वाई वन यानी एट माइनस फोर एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, ये बातें क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस फोर एक्स माइनस टू आठ चार बारह, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, पाँच में से दो गया तीन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, फोर एक्स माइनस एट इजक्ल टू वाई प्लस फोर, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, फोर एक्स माइनस वाई इजक्ल टू ट्वेल्व, ठीक है। तो आपको तरीके आने चाहिए कि हम तरीके समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। वाई को इधर ला दिया, उसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये तो बी डी का इक्वेशंस हो गया, ये बहुत सिंपल था क्योंकि दो पॉइंट्स दिए थे हमें, इक्वेशन मालूम है कि अगर दो पॉइंट्स दिए हैं तो इक्वेशंस अप्लाई नहीं होता है, हमने पुट किया आंसर आ गया, ठीक है। देखो वाई और एक्स वेरिएबल है, ये लास्ट में भी दिखेगा, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट ऑफ ए यानी ए का कोऑर्डिनेट बताना है, यानी इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अब इसको सोचना पड़ेगा आपको कैसे बताएंगे, ठीक है। आपको समझ में ये आना चाहिए कि पैरेललोग्राम जब भी हो तो उस पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल्स होते हैं, ठीक है,
ये डायगोनल्स हमेशा कट करते हैं किसी एक पॉइंट्स पे, लेकिन जैसे ही कट करते हैं ना तो ये जो डायगोनल्स है यानी ओ, ये मिड पॉइंट हो जाता है। किसका मिड पॉइंट्स? इस बीडी का मिड पॉइंट हो जाता है। यानी अगर यहाँ से एक्स की दूरी है तो यहाँ से भी कितनी दूरी होगी वाई की, एक्स की। अगर यहाँ से वाई दूरी है तो यहाँ से भी क्या होगा, वाई दूरी। यानी जो पॉइंट्स ओ है इसके बीचों बीच में है, ठीक है, यानी इस लाइन का बीच वाला पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ये मिड पॉइंट है किसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके हेल्प से हम ये मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एक्स निकालना है तो एक्स वन प्लस एक्स टू यानी फाइव प्लस टू, फाइव प्लस टू बाई टू यानी 3.5 हो गया। अब वाई कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो वाई प्लस ये, ठीक है, यानी 8 माइनस 4 बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को, ठीक है भाई। देखो 8 प्लस ये, ठीक है, 2 हो गया, बातें क्लियर। तो यहाँ तक हम फाइनली ये सब चीज़ें समझ गए, ठीक है। अब देखो एक चीज़ क्या होता है कि जो पॉइंट्स है तो मिड पॉइंट्स है, तो भाई इस लाइन के लिए भी मिड पॉइंट्स था और इस लाइन के लिए भी मिड पॉइंट्स है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स का नाम क्या हो गया यार बच्चों, 3.5 और 2, इस ओ पॉइंट्स का नाम हो गया। यहाँ तक बातें क्लियर। जब इस ओ पॉइंट्स का नाम हो गया तो एक चीज़ देखो, इस और इसका भी तो ये मिड पॉइंट होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी है कि जो भी दो डायगोनल्स हैं वो जहाँ पे कट करते हैं वो एक पॉइंट होता है, और ये पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम और यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होगी, फिर एक यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम होगी, ठीक है, मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो कैसे इसको करेंगे, अब यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। आपको देखो नोट्स बनाने से पहले समझना जरूरी है कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं चीज़ों को अच्छी तरीके से। आप जहाँ समझ लिए आप खुद अपना तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये एक्स है ना, मिड पॉइंट्स है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्स कितना है, 3.5 है। हमें ये वाला एक्स नहीं मालूम है तो यहाँ पर एक्स लिखो, एक्स वन प्लस एक्स टू ये 4 बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई 7 एक्स प्लस 4, तो एक्स की वैल्यू 3। यानी यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट मेरा 3 आ गया। ऐसे ही आप वाई निकालना है तो वाई के लिए फार्मूला आपको आता ही है, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, क्योंकि मिड पॉइंट का यही फार्मूला है, क्योंकि बीचों बीच वाला पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक दूसरे, ठीक है। तो वाई प्लस 7 तो क्या हो जाएगा, वाई पॉइंट्स 2, वाई प्लस 7 बाई टू, ठीक है, वाई प्लस 7 बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 वाई प्लस 7, तो वाई की वैल्यू माइनस 3, ठीक है। तो मैंने आपको ज़्यादातर समझना जरूरी है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो मिड पॉइंट्स पे कट करते हैं, यानी बीचों बीच में। यानी यहाँ से दूरी 5 है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 5 होगी, यहाँ से 6 है तो यहाँ से भी 6 होगा। तो हमने मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 और माइनस 3, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू माइनस 3, बातें क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।